रिकॉर्ड यस सर। ओके। ट्यूसडे से फ्राइडे बोला है सर कि आप ट्यूसडे से फ्राइडे लेंगे और 5:30 इवनिंग एवरीडे। ओके। सो पीडीएफ इज विजिबल फॉर यू? हाँ जी सर। ओके। So first chapter is getting start with Red Hat in enterprise Linux, जो हमने कल discuss किया था कि what is Linux, ठीक है, what makes Linux great, ठीक है, Linux open source है, ठीक है, और CLI है, command line interface है, lightweight है, ठीक है, so multiple यहाँ पे Linux के features हैं, ठीक, आप इसे एक बार read कर लेना, कोई doubt है तो मेरे से discuss कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पूरा थियोरेटिकली है कि व्हाट इज ओपन सोर्स, क्या है, ठीक है, कंटेनिंग सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, ठीक है, टाइप ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंस, ठीक है, कॉपीराइट, सो डेवलप कौन करता है ओपन सोर्स को, हु इज रेड हैट। सो जैसे मैंने कल आपसे बात करी कि रेड हैट एक एंटरप्राइज बनता है, जैसे नॉर्मली पहले क्या होता था, रेड हैट भी एक सिंपल एक कंपनी होती थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या ऐसे जो हमारे पास लिनक्स कर्नल है उसको उठाया, उसके ऊपर कोडिंग करी, उसे बिल्ड किया और अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर दिया और उसका उन्होंने नेम क्या रख दिया, रेड हैट, राइट। सो रेड हैट के बहुत सारे मतलब और भी टेक्नोलॉजीज रेड हैट देता है, जैसे मिडलवेयर होगा आपका, क्लाउड देता है, प्राइवेट क्लाउड देता है, JBoss देता है, OpenShift देता है, OpenStack देता है, SAP देता है, अपना क्लस्टर देता है, वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉल्यूशन देता है। तो रेड हैट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में डील करता है, ठीक है गाइस? जी सर। ठीक है, सो उसके बाद व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ए इंस्टॉलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट फ्रॉम लिनक्स कर्नल, ठीक है। सो लिनक्स हमारे पास एक कर्नल है और इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। यह सारा थ्योरेटिकल पार्ट है कि कब इसे डिज़ाइन किया है, किसने लिनक्स फॉर वर्ने से डिज़ाइन किया है, ठीक है, जो हमने कल डिस्कशन किया था लिनक्स के बारे में वो सारा इस चैप्टर में है, ठीक है। तो आप एक बार इस चैप्टर से, मैंने ग्रुप में आई थिंक शेयर हो गई होगी, PDF ग्रुप में हो गई है, अभी वेटिंग में चला है, हाँ जी हो गई है ना ग्रुप, ठीक है। सो आप एक बार इस PDF से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको इसमें कहीं इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कुछ डाउट है, थ्योरी में कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यही था। सो सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है एक्सेसिंग द कमांड लाइन, ठीक है। सो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन विजिबल आपके लिए जी, ठीक है। सो आपके पास अगर मैं ग्राफिकल की बात करूं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस टाइप से कुछ दिखेगा, ठीक है। सो जैसे विंडोज में आपके पास होता है, कई कई बंदे मतलब लिनक्स पे वर्किंग भी है, ठीक है, उन्होंने इन्वायरमेंट देखा होगा लिनक्स का पहले, जो लिनक्स से फेमिलियर नहीं है, सो उनको मैं थोड़ा GUI मोड मतलब इसका GUI इंटरफेस आपको बता देता हूँ। सो जैसे आप विंडोज़ में करते हैं कि विंडोज़ में आप एप्लीकेशंस ओपन करते हैं या डेस्कटॉप माई कंप्यूटर कुछ भी ओपन करते हैं, सो आप तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होता है, ऐप साइड पे एक्टिविटीज़ होगा, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ सारी आ जाएंगी। और अगर आप अपनी एप्लीकेशंस देखना चाहते हो ऑल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे शो एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशंस हैं वो सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। कुछ आप सर्च करना चाहते हो, जैसे विंडोज़ में होता है आपके पास सर्च बॉक्स होता है, उसमें आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपके पास आ जाता है, तो यहाँ भी आप कुछ भी सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, मैं टर्मिनल यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर टर्मिनल मेरे पास आ जाए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया, क्लियर जी, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो गया, सो इस टर्मिनल के ऊपर
हम क्या करेंगे, कमांड से रन करेंगे, हमें जो भी काम CLI मेथड से, जो भी कमांड लाइन इंटरफेस से जो भी काम करना है, हम इस टर्मिनल के ऊपर काम करेंगे। ठीक, सो हाँ, अभी जितेंद्र सर एक क्वेश्चन है, जितेंद्र सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितने इसमें मोड होते हैं एक्चुअल में? जैसे विंडो में हम बात करें, विंडो में एक ग्राफिकल मोड है, अगर मैं लिनक्स की बात करूं, लिनक्स में कितने मोड होते फोर हैं? मोड्स, फोर मोड्स होते हैं, ग्राफिकल और एक आपका CLI मोड हो गया, एक एमरजेंसी होता है और एक रेस्क्यू मोड होता है। ओके ठीक है, बाकी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस मोड में अगर आपको स्विच करना है, किसी मोड में अगर आपको स्विच करना है तो कैसे स्विच करेंगे। ठीक है, कैसे हम कर्नल को बताएंगे हमें कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोड में ऑन करना है। सो अगर हम बात करूँ तो रेड हैट 6 में, रेल 6 में रन लेवल होते थे। हाँ जी। तो हाँ, तो रेड हैट 8 में और 7 में क्या चलता है, टारगेट चलते हैं। जैसे आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट हो गया, मल्टी यूजर मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट हो गया, रेस्क्यू डॉट टारगेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब रेड हैट 7 और 8 में टारगेट चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टारगेट्स अपने पास रहते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास जो टर्मिनल के ऊपर जो आउटपुट आ रहा है वो इस टाइप से कुछ आ रहा है। ठीक है, सो आप जानते हैं ये आउटपुट क्या है हमारे पास? हाँ सर, ये पर्ल जो लिखा हुआ है ये तो यूजर का नाम है, एट द रेट के बाद जो लिखा हुआ है होस्ट नेम है, बिल्कुल हाइफ और टिल्ड का सिंबल है कि उस यूजर की होम डायरेक्टरी में आप हैं, और बिल्कुल डॉलर ये डिनोट करता है कि आप कौन से यूजर से लॉग्ड इन है, मतलब नॉर्मल यूजर से या या सुपर सुपर यूजर। यूजर से। अगर बिल्कुल सुपर यूजर होता तो हैश होता ऐश और होता। नॉर्मल यूजर के लिए डॉलर होता है सर, अगर मैं गलत नहीं बिल्कुल हूँ तो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक्यूरेट। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा नेम है ये यूजर नेम है कि आप किस यूजर से आप लॉग इन हो। ठीक है, देन एट द रेट मीन्स एट किस मशीन पे आप लॉग इन है, ये हमारा यहाँ पे IP एड्रेस हो सकता है और ये मशीन का होस्ट नेम भी, राइट। सो अगर आपने होस्ट नेम सेट कर रखा है तो होस्ट नेम यहाँ पे शो करेगा, और अगर आपने होस्ट नेम नहीं सेट कर रखा तो यहाँ पे IP एड्रेस जो भी मशीन का होगा वो आपको दिखेगा। देन उसके बाद जो ये टिल्ड साइन है, इसे हम बोलते हैं टिल्ड साइन। ठीक है, ये टिल्ड साइन सिंबल जो भी है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो ये पर्ल यूजर है ये अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर अभी प्रेजेंट है, राइट। अभी होम डायरेक्टरी क्या होती है अभी हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और ये डॉलर साइन किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो ये आपका पर्ल यूजर है ये एक नॉर्मल यूजर है, रेगुलर यूजर जिसे आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, एक रेगुलर यूजर, एक लोकल यूजर है। राइट, क्लियर है चीज? इसमें किसी को डाउट कुछ? नहीं सर। ओके, आकाश, सत्यम, उत्कर्ष, क्लियर है सर। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बीच में स्टक कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं। हाँ जी। आप जैसे कभी कभार कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी कोई यूजर बनता है, करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर सिस्टम का वो जो यूजर बनता है उसे हम तो सिस्टम अगर यूजर बोलते हैं। हाँ, सिस्टम यूजर बोलते हैं, तो उसके लिए भी हाँ। कोई अलग सिंबल होता है क्या सर, या सिर्फ उसके लिए हैश होता है या फिर डॉलर ऐसा कुछ होता वो है क्या? देखो, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद फैमिलियर हो इस चीज से किसी के बाद में अंदर। बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि फिर अभी मैं इन लोगों को, ये लोग अभी हाँ, कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं मैं अगर अभी ना हाँ, बाद में ये ना बता अभी दीजिएगा जब। अभी ना यूजर मैनेजमेंट में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें ना। ठीक है सर, तो ठीक है। एक्चुअली जो जो सिस्टम यूजर्स होते हैं, जैसे मेरा मान लो ये यहाँ पे ये मेरा सिस्टम यूजर है। ठीक है, तो इनको कभी भी जितने भी सिस्टम यूजर्स होते हैं, ये मेरा NFS के लिए मेरे एक यूजर बना है NFS Nobody करके, तो इनको कभी भी लॉगिन सेल नहीं होती। जो ये सर्विसेज के यूजर्स होते हैं, सिस्टम यूजर होते हैं, ये सिस्टम में लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं, तो इनको कोई भी सिंबल नहीं होता। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, अगर आप इनको फिर लॉगिन सेल दोगे तो ये फिर सिस्टम यूजर नहीं रहते, फिर ये आपके नॉर्मल यूजर में काउंट होते हैं अगर इनको हम लॉगिन सेल दे दें तो। ठीक है, सो गाइज अभी हम यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक बिल्कुल ही नॉर्मल कमांड्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है एक डेट कमांड। अगर आपको अपने सिस्टम में चेक करना है कि आपके पास कौन सी डेट सर, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है सर। ओके ओके, अभी सही है? हाँ ठीक है सर।
ठीक है, तो अगर मैं अपने सिस्टम में डेट चेक करना चाहता हूँ कमांड लाइन से, तो हमारे पास डेट कमांड होती है। सो डेट कमांड के थ्रू हमें ये पूरे सिस्टम के डेट और टाइम जो भी है वो दे देगा, ठीक है। और अगर आप ग्राफिकली अपने सिस्टम की डेट चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कैलेंडर और डेट दोनों रहता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ वाईफाई सेटिंग वगैरह कुछ भी करनी है, वॉल्यूम वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने सिस्टम के कुछ भी सेटिंग्स में जाके अपना सिस्टम की सेटिंग कर सकते हैं, या अगर आपको अपने सिस्टम में कुछ भी करना तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर चीज? जी सर। ठीक ठीक है। सो डेट कमांड के साथ हमारे कुछ ऑप्शन भी यूज होते हैं, जैसे डेट प्लस परसेंटेज आर, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारे पास क्या काम करता है कि अगर आपको अपने सिस्टम का ओनली टाइम चाहिए कि अभी आपके सिस्टम में क्या टाइम चल रहा है, सो उस टाइम को डिस्प्ले करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं, डेट प्लस परसेंटेज आर। ऐसे ही एक ऑप्शन और होता है प्लस एक्स करके, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम में जो भी डेट होगी उस डेट को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर चीज? यस सर। सो डेट के बाद हमारे पास एक कमांड और रहती है कैलेंडर करके, कैल करके। अगर आपको अपने सिस्टम में कैलेंडर चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कैलेंडर कमांड होती है, कैल करके, ठीक है। आप कैलेंडर चेक कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर किसी मंथ का अगर आपको कैलेंडर चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे मई करता हूँ, तो आपको मई का कैलेंडर दिखा दे, ठीक है। अभी देखो मैं मैंने जो कमांड्स लिखने स्टार्ट करी थी टर्मिनल के ऊपर, वो मैंने टॉप से स्टार्ट करी थी, यहाँ से टॉप से स्टार्ट करी थी। अभी मेरा जो टर्मिनल है वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो बॉटम पे आ गया है। अभी मैं फिर से चाहता हूँ कि मेरा ये स्क्रॉल होके फिर से टॉप पे चला जाए, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करना चाहता हूँ, वो रिफ्रेश करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कमांड अगर करता हूँ तो ये मेरे टर्मिनल को क्लियर कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने ऊपर कमांड्स रन करी हैं ये टोटली उन कमांड्स को क्लियर कर देगा, ये एक तरीके से हमारे टर्मिनल को क्या करता है, स्क्रॉल करता है, ठीक है। अगर मैं डाउन करता हूँ स्क्रॉल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ पे एक कमांड चला देता हूँ, जैसे डेट करके मैंने चला दी, या फिर मैंने और यहाँ पे कमांड ले लेता हूँ कैलेंडर करके, ठीक है। तो अभी अगर आप क्लियर कमांड चलाते हो तो ये क्लियर कर देता है, पेज को क्लियर कर देता है। अगर आप चाहते हो कि पेज को स्क्रॉल करना, तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल एल करके, कंट्रोल एल करता हूँ तो अभी मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, अप एंड डाउन से भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। क्लियर है गाइस? जी सर। ओके, सो कंट्रोल एल हमारे पास शॉर्टकट रहता है। तो अभी तक जो भी मैंने कमांड्स रन करी है, मुझे वो कमांड्स चाहिए, मुझे हिस्ट्री देखनी है अपने टर्मिनल की कि मैंने अभी तक अपने टर्मिनल के ऊपर कौन कौन सी कमांड्स रन करी, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में मैंने अभी तक जो भी अपने सिस्टम में कमांड्स ला रखे हैं वो कमांड्स मुझे यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब इस हिस्ट्री में से पर्टिकुलर कोई कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है फिर से, जैसे अभी मेरे पास मान लो ये बहुत ही बड़ी कमांड है ये, ठीक है। अगर मैं इस कमांड को फिर से टाइप करने जाऊंगा तो मेरे पास एरर आ सकता है, कुछ कमांड सिंटैक्स मिस्टेक हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये 995 वाले जो भी कमांड है ये एज इट इज एज फिर से रन करनी है, ठीक है। तो उसको अगर आपको रन करना पर्टिकुलर किसी नंबर के कमांड को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन देन कमांड नंबर, जो भी कमांड नंबर रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे कमांड नंबर देता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ, सो मेरे यहाँ पे जो भी ये कमांड होगी वो एज इट एज रन हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल सर।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे, जैसे एक कमांड्स और रहती है अपने पास कि अभी आपको देखना है कि अभी आपका जो यूज़र है वो किस प्रेजेंट लोकेशन के ऊपर है, किस लोकेशन के ऊपर अभी वो है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहते हैं PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, सो मैं PWD करता हूँ, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि /home के अंदर /Perl के अंदर अभी ये यूज़र प्रेजेंट है। क्लियर, अभी ये /home क्या है, स्लैश क्या है, /Perl क्या है, तो अभी हम इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। गाइज व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी के लिए? जी सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे सिस्टम अपने विंडोज में अगर मैं बात करूं, तो विंडोज में अब अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो आप कहाँ पे जाते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ड्राइव के अंदर जाना है, या मैंने कोई पिन ड्राइव अटैच करी है, मुझे उस पिन ड्राइव के अंदर जाना है उसका डेटा चेक करने के, तो आप किस लोकेशन के ऊपर जाते हो? पहले सर माय कंप्यूटर पे जाते हैं। माय कंप्यूटर, बिल्कुल सही, माय कंप्यूटर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर भी अगर मैं ग्राफिकल बात करूँ तो माय कंप्यूटर ही होता है, कंप्यूटर जो रहता है। ठीक है, अभी हमें ग्राफिकली काम नहीं करना, हमें कमांड लाइन से काम करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माई कंप्यूटर की जगह पे स्लैश, जिसे हम सिस्टम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपके सिस्टम का जितना भी जो भी कुछ भी डेटा रहेगा, वो सभी का सभी डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश के अंदर। स्लैश के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज बनी होती है, डायरेक्टरी इन दी सेंस फोल्डर। हम विंडोज में अगर बात करें तो विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टरी। सर एग्जैक्ट ये मीन क्या होता है स्लैश का, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो? सिस्टम डायरेक्टरी, सिंपल आप सिस्टम फोल्डर आप बोल सकते हो इसे। ओके, ठीक है, या रूट, या रूट, या रूट फोल्डर बोल सकते हैं सर? नहीं नहीं, रूट अलग चीज है। अच्छा ठीक है सर, ठीक, इसे हम सिस्टम डायरेक्टरी ही बोलेंगे, सिस्टम फोल्डर बोलेंगे। ठीक है सर। सो अभी जो ये सिस्टम डायरेक्टरी होती है, इस सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स, अगर मैं विंडोज में बात करूँ फोल्डर्स होते हैं, और लिनक्स में कुछ डायरेक्टरीज होती है, बाय डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये डिफरेंस अभी क्लियर कर लो कि सिस्टम डायरेक्टरी इज इक्वल टू फोल्डर, राइट? इसमें कन्फ्यूज मत होना कि डायरेक्टरी क्या है, फोल्डर क्या है। सो डायरेक्टरी इज इक्वल टू फोल्डर, राइट? सो इस स्लैश के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज होती हैं। कौन कौन सी डायरेक्टरी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, स्लैश के अंदर होती है होम नाम की डायरेक्टरी। ठीक है, इस होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या स्टोर होता है, लोकल यूजर का डेटा। आपके सिस्टम में जितने भी लोकल यूजर्स होंगे, वो सभी के सभी यूजर्स कहाँ पे स्टोर होंगे, स्लैश होम पे। जैसे मान लो आपका, जैसे मेरा एक पर्ल यूजर है, अभी आपने देखा मैंने वहाँ पे PWD कमांड चलाई, तो वहाँ पे उसने पाथ क्या बताया, प्रेजेंट लोकेशन का क्या पाथ बताया, /home/Perl, राइट? तो स्लैश का मीनिंग हो गया सिस्टम के अंदर, सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर एक होम नाम का फोल्डर है, उस होम नाम के फोल्डर के अंदर एक पर्ल नाम का यूजर है, उसका भी एक फोल्डर क्रिएट हो रखा है, वो अभी प्रेजेंट उस फोल्डर के अंदर है, राइट? अभी आपके पास सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, लोकल यूजर, आप मल्टीपल आपके सिस्टम में हो सकते हैं, जैसे ABC हो गया, XYZ हो गया, कुछ इस टाइप से। तो वो उन सभी यूजर्स का क्या होता है, अपना अपना एक फोल्डर बन जाता है, कहाँ पे, स्लैश होम के अंदर। अब वो फोल्डर कैसे बनता है, बाय डिफॉल्ट बनता है या हम मैनुअल बनाते हैं, वो अभी जब हम यूजर मैनेजमेंट में बात करेंगे तो वहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे, ये होम डायरेक्टरी कैसे बनती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्लैश के अंदर होम नाम का जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जितने भी लोकल यूजर होंगे उनके नाम से एक बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और जब भी वो लोकल यूजर अपना काम करेंगे तो वो अपना डेटा कहाँ रखेंगे, अपने उस नाम वाले फोल्डर के अंदर वो डेटा रहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है सर। ठीक है, सो अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ तो स्लैश होम हम किस लिए यूज करते हैं, कि लोकल यूजर जो भी है वो उनका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश होम। स्लैश होम के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फोल्डर आता है, एक और डायरेक्टरी आती है रूट नाम से। सो इस रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमारा जो सुपर यूजर है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, वो अपना डेटा कहाँ पे रखता है, स्लैश रूट के अंदर।
क्लियर जी, ठीक, ये चीज आप साथ साथ में नोट करते रहना। उसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर आता है ईटीसी करके। अब ईटीसी फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या सेव होता है, जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, कोई करेगा एक्सप्लेन, एनी आइडिया? सर सिस्टम रिलेटेड जैसे हमारे प्रोग्राम फाइल्स होती है विंडोज में, वही होती है शायद, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। अभी जैसे सिस्टम के अंदर मैं कोई भी एप सर्विस या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, और उस एप्लीकेशन या सर्विस का जो भी रूल रेगुलेशन होगा कि मैं अगर इस सर्विस को एक्सेस करूँगा या इस सर्विस को मैं रन करूँगा, इस एप्लीकेशन को रन करूँगा, तो इस एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर है, राइट, ये कैसे वर्क करेगी मेरी एप्लीकेशन। सो उसका जो भी रूल्स हैं, जो भी लिमिटेशन है, वो जिस फाइल के अंदर डिफाइन कर रखा होता है उस फाइल को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट। अगर आपको अपनी सर्विस का, अपनी एप्लीकेशन का कुछ भी बिहेवियर चेंज करना है, तो वो हम आगे देखेंगे कि वो हम किसमें करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम चेंजेस करेंगे, अगर आपको अपनी सर्विस का बिहेवियर चेंज करना है, राइट। तो ऐसे ही आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होंगी जिनमें सर्विस के रूल्स लिखे होंगे, लिमिटेशन लिखे होंगे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, ईटीसी के अंदर स्टोर। सर ये स्लैश एटीसी होता है या फिर सिर्फ एटीसी होता है? ये सभी के आगे स्लैश चलेगा। अगर आप इनकी, मैं अगर लोकेशन की, प्रॉपर लोकेशन की मैं बात करूं, पाथ की बात करूं, तो अगर मैं इस पाथ की रूट की बात करूं, तो स्लैश रूट मींस जो हमारा रूट है वो कहां पे लोकेटेड है, स्लैश के अंदर है, तो इसका फुल पाथ क्या हो गया, स्लैश रूट। और अगर मैं होम की बात करूँ तो स्लैश होम, स्लैश एटीसी, इस टाइप से चलेगा। Okay. इन सभी के आगे स्लैश 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 चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें कहाँ लोकेटेड है, स्लैश के अंदर ही लोकेटेड है, ठीक है। ईटीसी के बाद हमारे पास और डिफॉल्ट डायरेक्टिव आती है वेयर करके, ठीक है। अब इस वेयर नाम के डायरेक्टिव के अंदर क्या स्टोर होता है, वेरिएबल डेटा। वेरिएबल डेटा वो डेटा होता है जो वेरी करता है, मतलब कम होता रहता है और बढ़ता रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देगा वेरिएबल डेटा किस टाइप का डेटा हो सकता है? सर कोई टेम्पररी वेरिएबल बनाया हो कुछ माउंट करने के लिए, और जब काम खत्म हो जाए तो हम उसको फिर वापस से उसके लिए वो अलग लोकेशन, वो हमारे पास टेम्प लोकेशन होती है टेम्पररी के लिए। अच्छा, वेयर के अंदर वेरिएबल डेटा इस टाइप से रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लॉग्स की, ठीक है, कि आप सिस्टम में कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो उसकी एक एंट्री जनरेट होती है, एक लॉग जनरेट होता है, राइट। तो अब हर टाइम आप सिस्टम में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी कहाँ पे स्टोर होगी आपके, जाके वेयर के अंदर, वो लॉग्स कहाँ स्टोर होंगे, वेयर के अंदर स्टोर। सर ये दोनों चीज के लिए अप्लाई होता है? ये दोनों चीज के लिए अप्लाई होता है, सिस्टम रिलेटेड के लिए भी और जो आप एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उनके लिए भी, या ओनली सिस्टम रिलेटेड लॉग्स? हाँ, पूरे सिस्टम, पूरे सिस्टम के लोग, उसमें आपका सर्विस भी आ गई, आपका कुछ भी एक्टिविटी, आप सिस्टम में कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हो, लॉग आपका वहीं से होगा बाहर के अंदर, और जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे उनके लॉग्स भी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लॉग के लिए कौन सा पाथ डिफाइन कर रखा है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यही रहता है, बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। अगर उसने ओवरराइड कर रखा हो कि भैया जैसे अपाचे सर्वर के से लॉग्स उसके एचटीटीपी फोल्डर के अंदर होते हैं ना कॉन्फिग के अंदर, इसीलिए मैं सर आपसे पूछ रहा था, अगर उसने ओवरराइड कर रखा है तब वो दूसरी लोकेशन, तब वो दूसरी लोकेशन पे जाएगा, वरना ये पूरे सिस्टम के लोग वेयर में लाके रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। सो वेयर के अंदर अगर मैं बात करूं, ये ना जूम में एक्चुअली ये दिक्कत है कि इसमें ना फिर ऐसे ये, कोई नहीं सर, आप टेक्स्ट पैड ओपन कर लो, नॉर्मल नोटपैड ओपन कर लो, मैं भी जूम पे पढ़ाता हूँ, नोटपैड या उस पे कर लो, आपको ये सब व्हाइट बोर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पे लिख के भी समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं एक बार ईटीसी हो गया अपना, अवेयर हो गया, देन अवेयर के बाद हमारे पास आता है बिन,
ठीक है, एक हमारे पास लोकेशन रहती है बिन करके। इस बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या स्टोर होता है, बाइनरी स्टोर होती है। ठीक है, किसकी बाइनरी स्टोर होंगी, लोकल यूजर की बाइनरी। ठीक, अब देखो बाइनरी, अभी मैं आपको जब कमांड ये टर्मिनल ओपन करूंगा कि ये बाइनरी कैसे काम करती है, क्या इसका वर्क फ्लो रहता है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप यही समझो कि बिन के अंदर बाइनरी किसकी बाइनरी रहती है, लोकल यूजर। ठीक है, बाइनरीज क्या होती है, 0101, राइट। ठीक है सर, एकदम सर। और ऐसे ही हमारे पास एक लोकेशन होती है एसबिन करके, सो एसबिन के अंदर सुपर यूजर की बाइनरी होती है। ठीक है सर। ठीक, एसबिन के बाद हमारे पास एक और लोकेशन आती है टेम्प करके, सो टेम्प के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, टेम्पररी डेटा। ठीक है, अगर आपने टेम्परेरी कुछ माउंट किया या टेम्परेरी कोई सर्विस रन करी है, स्टार्ट करी है, कुछ भी, सो जो भी टेम्परेरी डेटा रहेगा वो हमारा टेम्प के अंदर रहेगा। ऐसे हमारे पास एक लोकेशन होती है रन कर, सो जो भी दिख नहीं रहा है सर, ये जो आप जिसके अंदर लिख रहे हैं ना वो थोड़ा सा या तो बड़ा करिए जैसे रन है। एक मिनट में ना आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, वो बिल्कुल मैं वही करता हूँ, वाइट उसमें यूज करने में प्रॉब्लम होती है। नोटपैड प्लस प्लस कुछ भी ओपन कर लीजिए जो है आपके पास। मैं ऑनलाइन एक ओपन कर लेता हूं। एमएस ऑफिस से होगा तो एमएस ऑफिस में कर लीजिए। लिनक्स पे होंगे ना तो उनका तो ऑफिस ओआरजी होगा ना। लेबर ऑफिस होता है इसमें। हां अभी आपको विजिबल है व्हाइट बोर्ड? हाँ सर, अब विजिबल है। ठीक है, सो अभी जो मैंने प्रीवियस जो भी बताया वो आपने नोट कर लिया। ठीक है, मैं जी सर रन के लिए बता रहे थे सर। हाँ बिल्कुल, रन। ठीक, रन के अंदर जो भी हमारा रनिंग टाइम का डेटा होगा, जैसे कैचे वगैरह रहता है या कुछ भी, ठीक है, जो भी रनिंग टाइम का जो भी डेटा है वो हमारा रन के अंदर रहता है। ठीक है, उस पे चल रहा होगा उसमें रनिंग डेटा। तो सर हाँ, ये भी रन है, ये भी तो टेम्परेरी हुआ ना फिर सर एक तरह से। नहीं, टेम्परेरी अलग होता है। टेम्परेरी क्या रहता है, टेम्परेरी जब तक आप उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ माउंट किया, ठीक है, तो वो अगर मैंने टेम्परेरी माउंट कर रखा है और हमारे पास रनिंग टाइम का होता है, जैसे मैंने पर्टिकुलर कोई सर्विस रन करी है, ठीक है, और मैंने उसे स्टॉप कर दिया, ठीक है, या मैंने उस सर्विस को जैसे डिलीट कर दिया, तो वो जब तक मेरी सर्विस चल रही है तो तब तक उसका रनिंग टाइम का जो भी डेटा है वो रन में रहेगा। ठीक है, और टेम्प में जैसे हमारे अगर मैं बात करूँ कैचे वगैरह, तो जब तक मैं अपनी कैचे क्लियर नहीं करूँगा, जो मेरी टेम्परेरी फाइल्स उनको मैं डिलीट नहीं करूँगा, वो तब तक हमारे टेम्प में पड़े रहेंगे, और जो रन में डेटा होता है वो नेक्स्ट रिबूट पे आपका फिनिश हो जाएगा। सर रिबूट हटा दीजिए, चलिए मैं एक सर्विस चल रही थी, सर्विस को बंद कर दिया तो इमीडिएटली रन से वो जो डेटा था उड़ जाएगा। जो भी आप अपने सिस्टम के साथ जो भी एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल बहुत देर आ रही है आवाज, थोड़ा तेज बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल डिवाइसेस आप जो भी कनेक्ट करते हो, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आप रिमूवेबल पेन ड्राइव आप अटैच करते हो, एक्स वाई जो भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस आपकी जो भी रहेगी वो कहाँ पे आपको शो होगी जाके, कहाँ पे आप स्टोर होती है जाके, डेव के अंदर। ठीक है सर। ठीक है, सो ये कुछ बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, इसमें बहुत सारी और भी डायरेक्टरी है, जैसे एमएनटी हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्या होती है, माउंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ये डायरेक्टरी एमटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और डायरेक्टरी होती है लिब करके, उसमें लाइब्रेरीज रहती है। ठीक है सर, लाइब्रेरीज क्या चीज की सर, वो अभी हम
हाँ बिल्कुल, सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे जब इसकी नीड होगी कि लाइब्रेरी कैसी, कहाँ पे, किस टाइप से यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके सिस्टम में क्या क्या स्टोर रहता है, राइट। ओके ठीक है। आगे अगर मैं आपको ये लोकेशन दिखाऊँ, ग्राफिकली आपको ये चीज़ दिखाऊँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। आपकी आवाज फिर कम कर दी तो सभी के लिए उसने। विजिबल है ये बाय डिफॉल्ट, पता नहीं क्यों ये कम कर दे रहा है सर ऑटोमेटिकली। विजिबल है लाइक, हाँ विजिबल। सर देखो कंप्यूटर करके एक लोकेशन है। सर यहाँ पे कैसे गए आप? ये कैसे आए सर बता दीजिए। मैं यहाँ पे पूरा होम से जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पैसे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्टिविटीज में गया, हाँ ठीक है। एक्टिविटीज में जाने के बाद यहाँ पे फाइल्स आ रहा है, ठीक है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये लोकेशंस ओपन हो गई। जैसे आप सिस्टम माय कंप्यूटर पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, होम, इस टाइप से पिक्चर, वीडियो ऐसे ओपन होता है, राइट। यस सर, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे लिनक्स में ओपन हो गया। सो यहाँ पे मैं अदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर एक आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे ये इसकी, इसने स्टोरेज बता दी, कितना साइज है, वो साइज बता दिया, ठीक है। साइज के बाद यहाँ पे एक स्लैश करके आ रहा है, राइट। यस सर, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया सिस्टम डायरेक्टरी वाला स्लैश है, तो इस कंप्यूटर को मैं ओपन करता हूँ। सो इस कंप्यूटर के अंदर, इस स्लैश के अंदर वो देखो सारी डायरेक्टिव है, ठीक है। ये कुछ मैंने अपने हिसाब से बना रखे है बैकअप करके, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी यहाँ पे रहती है, बिन हो गया, बूट हो गया, इस बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या स्टोर रहता है, बूटेबल डेटा, जो भी आपके सिस्टम को बूटिंग टाइम पे जिन फाइल्स की नीड है वो फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, जाके बूट के अंदर, ठीक है। ये कॉमन नाम से मैंने अपना बना रखा है, डेटा भी मेरा अपना है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी हो गया आपके, डेव हो गया, ATC हो गया, होम हो गया, लिब करके लाइब्रेरीज हो गया, लिब 64 बिट के लिए लाइब्रेरीज जो रहती है, ठीक है, वो लाइब्रेरी यहाँ पे स्टोर है। ये MNT जो मैंने आपको बताया था वो लोकेशन, ठीक है। उसके बाद रूट लोकेशन हो गई, रन हो गया, SVN हो गया, ठीक है, टेम्प हो गया, वेयर हो गया, राइट, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अभी देखो मैं अगर होम को ओपन करता हूँ, स्लैश होम को, तो इसके अंदर ये सारे मेरे यूजर्स के फोल्डर बन रखे हैं, ये यूजर्स की डायरेक्टरी बन रखी है, क्लियर जी। ठीक है। सो ये ग्राफिकली, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है ग्राफिकली काम करने के लिए, हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव क्या है कि हम कमांड लाइन से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगर कमांड लाइन आपको दिखाऊं, सो कमांड लाइन मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, ये कमांड हम पढ़ेंगे। ls कमांड क्या करती है, लिस्ट करती है किसी भी फोल्डर के, किसी भी डायरेक्टरी के, अगर आपको कंटेंट लिस्ट करना है इसके अंदर क्या डेटा है, तो उसके लिए हम ls कमांड का यूज़ करते हैं, लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ ls slash, मैं अपने slash को लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो सारे के सारे फोल्डर जो मैंने अभी आपको ग्राफिकली दिखाए, वो देखो यहाँ पे कमांड लाइन में हमारे पास आ गए, ठीक है सर। क्लियर है चीज जी? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसे हम बोलते हैं फाइल हायरार्की। ये लिनक्स का फाइल हायरार्की है कि किस टाइप से कौन सी डायरेक्टरी, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट, क्लियर जी। ठीक है, अगर मैं आपको PDF में दिखाऊं, सो PDF के अंदर भी ये, अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे मैंने ls कमांड लिखी, ठीक है, या मैं यहाँ पे डेट कमांड लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, राइट। ये डेट क्या है, कि वर्ड ही तो है, राइट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरीज को, बाइनरीज को, लेकिन मैं तो यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, एक ह्यूमन लैंग्वेज को यूज कर,
राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ये हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के ऊपर एक सर्विस काम करती है जिसे हम बोलते हैं शेल, ठीक है। सो उस शेल के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो अभी हमारे पास ये कौन सी शेल चल रही है, बैश शेल चल रही है, बैश, बोन अगेन शेल, बैश। उस शेल का क्या नेम है, बैश, बोन अगेन, ठीक है। तो ये शेल सर्विस क्या करती है, ये हमारे टर्मिनल को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करवाती है, राइट। लेकिन इस कंडीशन में भी हमें आंसर नहीं मिला कि हमारा जो ये कमांड है, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे बात करते, कैसे कम्युनिकेट करती, राइट, ठीक है। सर आवाज गई, ये मुझे लग रहा है हेडफोन, हेडफोन का ही प्रॉब्लम है। हाँ, हेडफोन का शायद, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये कमांड है, जो भी हम ह्यूमन लैंग्वेज जो भी लिखते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट करता है जाके, तो जो भी शेल है, हम यहाँ पे कुछ भी कमांड लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी डेट, राइट, ठीक है। सो ये शेल क्या करता है, इस कमांड को उठाएगा और कहाँ पे लेके जाएगा, बिन के अंदर, ठीक है। अब बिन के अंदर, बिन के अंदर किस केस में लेके जाएगा, कि अगर आपने ये कमांड पर्ल यूजर मींस किसी भी लोकल यूजर से ये कमांड करी है, तो शेल क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगा किस यूजर से लॉगिन हो आप लोकल यूजर से लॉगिन है, तो इस कमांड को उठाएगा और बिन के अंदर चला जाएगा। बिन के अंदर अगर, बिन के अंदर अगर उसको इस कमांड का जो भी ये वर्ड है, इसका उसको बाइनरी फॉर्मेट मिल गया, तो उसको वो उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ले जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ इस टाइप से डाल दिया, जैसे मैं कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, जैसे हेलो करके डालता हूँ, तो हेलो कोई कमांड नहीं है, राइट, ठीक है। तो अब क्या करेगा शेल, क्या करेगा शेल, इस कमांड को उठाएगा, इस बिन के अंदर लेके जाएगा, लेकिन इस बिन के अंदर इस कमांड का बाइनरी नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा, कि ये बैश का एरर, कमांड नॉट फाउंड, मुझे बिन के अंदर इसका बाइनरी नहीं फाउंड हुआ। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या, एक्चुअली आपने सुना होगा कि सुपर यूजर जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसको अलग एक्सेस होता है और लोकल यूजर को अलग एक्सेस होता है, ठीक है। तो परफेक्ट, में डिफाइन कर रखी होती है बिन और एस बिन के अंदर, ठीक है। अगर मैं कोई भी कमांड चलाऊंगा सुपर यूजर से, यहाँ रूट से मैं कोई भी अपने सुपर यूजर से कोई भी कमांड रन करूंगा, तो शेल क्या करेगा, उसको उठा के एस बिन के अंदर सर्च करेगा, ठीक है। और अगर मैं कोई भी कमांड लोकल यूजर से रन करता हूँ, तो शेल क्या करेगा, उसको बिन के अंदर जाके सर्च करेगा। मतलब हर कमांड का एक प्रोग्राम बना हुआ है, उसे वो सर्च करेगा, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो एरर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एसबीन सुपर यूजर के लिए एसबीन में सर्च करेगा फर्स्टली, और कोई यूजर पर्टिकुलर वैसा है तो वो बिन के अंदर में सर्च करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया पूरा। देखिए शेल का कांसेप्ट समझ में आ गया जी सर, बिल्कुल ओके। एक तरह से सर आप ये कहें कि कर्नल और यूजर के बीच में जो लेयर है वो शेल की, एक तरह से लिनक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, शेल एक कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये शेल के बारे में इसने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन इंटू लोकल कंप्यूटर, कैसे लोकल कंप्यूटर में कैसे लॉग इन करना है, ये अभी हम पढ़ेंगे, लॉग इन टू ओवर द नेटवर्क, कैसे नेटवर्क से लॉग इन करना है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, इस सर्विस के ऊपर, ओपन एसएसएच के ऊपर हमारे पास चैप्टर आएगा, 7 चैप्टर आएगा, ठीक है। उस चैप्टर को हम प्रॉपरली डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट ये लॉग इन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है कि अगर आपको लॉग इन करना है तो किस टाइप से आप लॉग इन करोगे। सर वो एक ऊपर F1 टू F6 दे रखा है सर, वो क्या है सर ये तो ओपन करने के टर्मिनल ओपन करने के, टर्मिनल ओपन करने के लिए शॉर्टकट है ये तो। अच्छा ठीक है सर। कंट्रोल अल्ट से भी आप ओपन कर सकते हो, जैसे मेरे पास तो अभी खुली पड़ी है विंडोज,
ठीक है, ये देखो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना एक्टिविटीज पे, ये मैं एक्टिविटीज पे कर रहा हूँ, सेम एक्शन है, और मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल एफ वन यहाँ पे करने के लिए शॉर्टकट से रखा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्विच यूजर कैसे करते हैं, कैसे स्विच करेंगे, ये अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर मैं आपको अभी ये सारी चीजें बता दूंगा तो वो आपको मतलब प्रॉपर समझ में भी नहीं आएगा और ऐसा थोड़ा आपको टफ सा लगेगा। जैसे आप बता रहे हैं ना सर वैसे बताइए सर। हाँ बिल्कुल, एक हम सीक्वेंस में चलेंगे। एक्चुअली इन्होंने थोड़े कोर्स में इसमें क्या किया है, कुछ एडवांस चीजें ना पहले ही बता दी, ठीक है, तो अभी आपको अगर मैं समझाऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा चीज़ कि अभी अगर मैं यहाँ पे आपको यूज़र को स्विच करना या यूज़र को एक्सेस करना बता दूंगा, आपको यही नहीं पता कि यूज़र होता क्या है, तो वो फिर चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक है, तो अभी हम इनको देखेंगे बात, ठीक है, और कैसे यूज़र को लॉग आउट करते हैं, यूज़र मैनेजमेंट में सारी चीज़ें हम अपने पास आएंगी। ये बुक के अंदर पीडीएफ के अंदर ये क्विज़ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ओवरव्यू दे देंगे। सर वॉल्यूम बढ़ा लीजिए माइक का। ठीक है, एक्सेसिंग द कमांड लाइन यूजिंग डेस्कटॉप, कि कमांड लाइन से आपको डेस्कटॉप कैसे यूज करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास एक एक्टिविटीज होती है, पीडीएफ विजिबल है ना सभी को? बिल्कुल सर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक एक्टिविटीज हमारे पास होती है, देन उसके बाद एक मिडल में हमारे पास डेट वाला सेक्शन आता है, और लास्ट में हमारे पास सिस्टम वाईफाई सेटिंग या साउंड सेटिंग करने के लिए बैटरी आपको देखना है, कुछ सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, रिबूट करना है, ठीक है, वो आप करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफिकली आइकन होते हैं, ठीक है, सर। यहाँ पे इसको डिटेल में बता रखा है, मेनू बार, टॉप बार, एक्टिविटीज ओवरव्यू, ठीक है, वर्क स्पेस सिलेक्टर, ये सारी चीजें देखो जो भी ग्राफिकली जो मैं अभी आपको इस टाइप से बता रहा था, ये सारी चीजें जैसे एक्टिविटीज हो गया आपके पास, सर्च बॉक्स हो गया, ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन आ गए, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसने ग्राफिकली बता रखी है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अपने सिस्टम पे डेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेट ओपन हो गया, ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पे ये बता रहा है, ओपन मैसेज, यहाँ पे मैसेज ट्रे है, साथ में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी मैसेज ट्रे है, क्लियर? बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद इसने बता रखा होगा कि अगर आपको टर्मिनल ओपन करने हैं, ठीक है, जैसे विंडोज में आपके पास होते हैं वर्क स्पेस, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है, अगर आपको एक फ्रेश विंडो चाहिए तो जैसे आप इस टाइप से उसको ओपन कर सकते हैं, ये वर्क स्पेस हम इसे बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक, अगर आपको फ्रेश विंडो चाहिए तो उसके लिए आप वर्क स्पेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वर्क स्पेस आज सेपरेट डेस्कटॉप स्क्रीन, दे आर डिफरेंट एप्लीकेशन विंडोज, ठीक है, यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स बता रखे हैं कि अगर आपको ग्राफिकली ओपन नहीं करना, कंट्रोल अल्ट अप एरो के साथ आपको एक नया वर्क स्पेस मिल जाएगा, स्टार्टिंग या टर्मिनल, अगर आपको टर्मिनल अपना स्टार्ट करना है ग्राफिकल, अगर आपको टर्मिनल स्टार्ट करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिविटीज़ में गए, ठीक है, एक्टिविटीज़ में आप शो एप्लीकेशन करोगे ऑल एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आप टर्मिनल को कर सकते हो, ठीक है, अपने टर्मिनल पे क्लिक किया और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप सर्च फील्ड में जाके जो भी आपका सर्च बार होगा उसमें जाके आप सर्च भी कर सकते हो टर्मिनल के नाम से, ठीक है जी, ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टकट से अपना टर्मिनल ओपन करना है तो शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस एफ टू, अगर आपने आप
ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट एफ टू करोगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर आपको कमांड लाइन सर्च बॉक्स में अगर आपको डालना है, ठीक है, सर्च बॉक्स में सर्च करना, तो उसके लिए हमारे पास होता है टर्मिनल, जीनोम टर्मिनल करके। क्लियर? जीनोम टर्मिनल, ठीक है। और अगर आपको अपनी स्क्रीन लॉक करनी, जैसे आप विंडोज में भी अपनी स्क्रीन को लॉक करते थे विंडो प्लस एल करके, ठीक है, तो सेम इसमें भी अगर आपको अपनी स्क्रीन लॉक करनी है तो उसके लिए विंडो की प्लस एल करेंगे, ठीक है। अब आपको अगर अपना सिस्टम बंद करना है, पावर ऑफ करना है, रिबूट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ग्राफिकली विजिबल है। हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो मेरे पास ये आइकन आ रहा है पावर का, विजिबल आइकन सभी को? बिल्कुल सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पावर आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा देगा, रीस्टार्ट करना है या पावर ऑफ करना है, ठीक है। और अगर आपको ग्राफिकली करना है तो ग्राफिकली पावर ऑफ करने के लिए क्या कमांड रहता है? पावर ऑफ। और अगर आपको अपनी सिस्टम रीस्टार्ट करनी है तो उसके लिए रहती है कमांड रिबूट, दिस वे। अगर आपको सिस्टम पावर ऑफ करना है तो उसके लिए कमांड रहेगी पावर ऑफ, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। और अगर आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए कमांड रहती है रिबूट, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट अपने ये इसकी एक्सरसाइज आएगी, गाइड एक्सरसाइज आएगी, कैसे टर्मिनल ओपन करना है, कैसे यूजर को लॉगिन करना है, कैसे लॉक करना है, अनलॉक करना है, उसकी गाइड एक्सरसाइज आएगी। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिंग कमांड्स यूजिंग द बैश शेल, कैसे कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी है। सो यहाँ पे इसने सिंपल कमांड्स दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कमांड्स जो मैंने आपको बताई थी, डेट, डेट प्लस परसेंटेज आर, डेट प्लस परसेंटेज एक्स, ये कुछ सिंपल कमांड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक और कमांड रखी है, हुआ एम आई, तो ये बता देगा कि आप किसी यूजर से लॉग इन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूजर का नहीं यहाँ पे बता देगा। जैसे अभी हमें पता है किस यूजर से लॉग इन है, राइट। तो अगर आपको फिर भी यहाँ पे चेक करना किस यूजर से लॉगिन है तो आप हुआ एम आई करके आप चेक कर सकते हो आप किस यूजर से, ठीक है जी। अगर आपको एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड्स यूज करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन का, ठीक है। जैसे मुझे ये कमांड भी यूज करनी थी हुआ एम आई, ठीक है, और साथ में मुझे कमांड और यूज करनी थी एल एस, डेट कमांड यूज करनी है मुझे, ठीक है। अगर मैं ऐसे स्पेस करके यहाँ पे एक दूंगा तो इसका एरर आएगा, हम इसे नहीं जानते ये क्या कमांड लिखे आपने, ठीक है। अगर आपको एक सिंगल लाइन में मल्टीपल कमांड्स लिखनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन, हुआ एम आई सेमीकोलन देन नेक्स्ट कमांड, क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्या चल गई, पहले वाली कमांड चल गई हुआ एम आई करके, एंड उसके बाद मेरी डेट कमांड चल गई, ठीक है। तो आप ऐसे एक सिंगल लाइन में आप मल्टीपल कमांड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। सो ये सिंपल बेसिक कमांड्स यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट आता है व्यू द कंटेंट ऑफ फाइल, ये सीधा उस पे आ गया, चलो इसे छोड़, मैं आपको इस टाइप से समझाता हूँ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं और कमांड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कोई भी डायरेक्ट मीन्स कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं mkdir, हेलो, हाँ जी सर, सुनाई दे रहा सर,
ओके ठीक है, अगर आपको अपने सिस्टम में कुछ भी फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं mkdir कमांड स्पेस डायरेक्टरी नेम, जो भी आपका डायरेक्टरी नेम जो कुछ भी आप रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ डेमो। ठीक है सर। ठीक है, और अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, सो फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टच और उसके बाद फाइल नेम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल का नेम रख दिया फाइल वन। क्लियर? ठीक है, अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर से किसी भी लोकेशन के अंदर से कोई फोल्डर मींस कोई भी डायरेक्टरी आपको डिलीट करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं rmdir रिमूव डायरेक्टरी स्पेस उस डायरेक्टरी का नेम जो भी आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है डिलीट करनी है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर से कोई फाइल डिलीट करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं rm रिमूव। क्लियर चीज? जी सर क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर स्विच करना है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपको मूव करना है, जैसे विंडोज में हम क्या करते थे कि आप फोल्डर पे डबल क्लिक कर देते थे, आप उस फोल्डर के अंदर एंटर कर जाते थे, राइट? अभी यहाँ पे तो हमारे पास माउस नहीं है, कमांड लाइन में हमारे पास माउस नहीं वर्क होगा। ठीक है, तो हमें कमांड लाइन से ही एंटर करना पड़ेगा डायरेक्टरी के अंदर। सो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं cd और उस डायरेक्टरी का पाथ जिसमें भी आपको एंटर करना है। cd क्या है? चेंज डायरेक्टरी। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप किसी भी डायरेक्टरी के विद इन डायरेक्टरी के, जैसे होता है ना कि डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फोल्डर सब फोल्डर जैसे होता है, क्या फोल्डर के अंदर ऐसे आप मल्टीपल स्टेप आप मूव कर गए, मल्टीपल स्टेप आप एंटर कर गए हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मुझे एक स्टेप प्रीवियस मूव करना है, एक स्टेप पीछे आना है। ठीक है, अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है, नेक्स्ट जाना है, तो उसके लिए आप cd कर सकते हो, cd फिर उस आगे उस डायरेक्टरी का नेम जिसमें आपको मूव करना है। लेकिन अगर आपको प्रीवियस स्टेप पे जाना है कि प्रीवियस मेरी डायरेक्टरी कौन सी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं cd स्पेस डॉट डॉट। ठीक है, एक स्टेप प्रीवियस आने के लिए। ठीक है, अगर आपको टू स्टेप प्रीवियस आना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। अगर आपको टू स्टेप प्रीवियस आना, ठीक है जी, पर अगर आप चाहते हो कि मुझे पता नहीं मैं किस लोकेशन पे हूँ, लेकिन मैं मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, cd प्रेस, ओनली cd, या आप cd के साथ आप टिल्ट साइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप सिंपल cd भी करते हो और cd टिल्ट भी करते हो तो वो सेम मतलब होम डायरेक्टरी के ऊपर ही आपको लेके जाएगा। किसी फोल्डर के अंदर आपको देखना है कि मेरा इस फोल्डर के अंदर क्या डेटा पड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है लिस्ट ls। ठीक है, लिस्ट करने से हमारे पास ये उन फाइल और फोल्डर्स के नेम लिस्ट कर देगा जो भी उस पर्टिकुलर प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद एक और हमारे पास कमांड आती है लॉन्ग लिस्ट ls -l।
लॉन्ग लिस्ट, इसका एक एलियाज भी है, एलियाज मींस एक इसकी शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट आप बोल सकते हो, एल एल करके होता है लॉन्ग लिस्ट, ये दोनों कमांड सेम है ठीक है। एल एस में जस्ट आपको उन फाइल और डायरेक्टरी के नेम बताएगा, और एल एस हाइफन एल और एल एस हाइफन एल और एल एल में आपको क्या बताएगा, उन फाइल्स का, उन फाइल्स का पूरी डिटेल्स बताएगा कि आपका ये फाइल कब क्रिएट हुई ठीक है, और इस फाइल में आपका क्या मतलब ये फाइल है या फोल्डर है ठीक है, उसके टाइम स्टैम्प वगैरह सब कुछ वो डिटेल में देगा, और ये किस यूज़र ने क्रिएट करी है और इसका इसके ऊपर क्या परमिशन है राइट, वो पूरी डिटेल के साथ उसको लॉन्ग लिस्ट करेगा। क्लियर जी? यस सर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और कमांड होती है ls hyphen capital R। सो ls hyphen capital R क्या आपको लिस्ट करेगा रिकर्सिवली, रिकर्सिवली मीन्स मान लो आपके पास एक फोल्डर है, उसका कोई सब फोल्डर है और उसके अंदर कुछ फाइलें हैं ठीक है, तो ये पूरे उसको पूरे जो भी आपका फोल्डर है उसके अंदर जो भी डाटा है, जो भी सब डायरेक्टरीज हैं और उन सब डायरेक्टरी में जो भी डाटा है उन सभी को लिस्ट करेगा। रिकर्सिवली का मीन्स होता है विद इन, कि उसके अंदर का भी जो भी डाटा रहेगा। क्लियर जी? क्लियर। ठीक है, ऐसे ही एक और कमांड होती है ls hyphen lr, ये क्या करेगा, ये लॉन्ग लिस्ट कर देगा रिकर्सिवली ठीक है सर। लॉन्ग लिस्ट करेगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर होंगे, उनके अंदर फाइल होंगे, उनकी पूरी लिस्टिंग दिखा देगा, किसने बनाई है, कौन उसका ओनर था और कब बनी है, ये सब क्या क्या परमिशन है, क्या परमिशन से जो 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 ls hyphen l वाला है सेम उसी तरीके से है। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये रिकर्सिव को भी ऐसे लॉन्ग लिस्ट कर देगा राइट। क्लियर जी सर। उसके बाद हमारे पास ऐसे एक और कमांड होती है ls hyphen a करके। सो ls hyphen a क्या काम करता है, ऑल ऑल को लिस्ट कर देगा, मींस आपके पास एक फोल्डर है उसके अंदर आपने कोई हिडन फाइल रखी है या हिडन सब डायरेक्टरी रखी है राइट, तो ये सभी को हिडन फाइल और फोल्डर ऑल को लिस्ट कर देगा। ठीक है सर। क्लियर चीज, इन कमांड्स में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, कोई डाउट, एक मिनट लिख लेते हैं सर। हाँ इसको आप नोट कर। ठीक है सर। तो मैं अभी आपको ये सारे टास्क एक बार परफॉर्म करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MKDIR टर्मिनल विजिबल है विजिबल है जी, आकाश आपको विजिबल है? अब विजिबल है बट कट कट के दिख रहा है सर, एक बार टाइप कीजिए उस पे कुछ। नहीं दिख रहा है सर टाइप करने के बाद आपका, क्या टाइप? वरुण आपको दिख रहा है? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है सर। आकाश आपका ना नेटवर्क इशू है फिर ना? दिख रहा है सर दिख रहा है, जूम हो गया था, जूम हो गया था, दिख रहा है सर। ओके ओके ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पे डायरेक्टली आपको कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है MKDIR। जैसे मैंने वरुण के नाम से यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, अब आपको उस डायरेक्टरी को लिस्ट करना है, तो अभी आपने किस प्रेजेंट लोकेशन के अंदर वो डायरेक्टरी क्रिएट करी है आप यहाँ पे देख सकते हो पर्ल के अंदर राइट। ठीक है,
सो यहाँ पे मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे वरुण नाम से डायरेक्टली here is the left side में right में एकदम blue में उसके last वाले में वीना के ऊपर से सरे right में एकदम एकदम last वाले row में x y z के ऊपर video video के ऊपर वीना वीना के ऊपर वरुण मुझे दिख नहीं रही सर राइट साइड बिल्कुल राइट में सर बिल्कुल राइट ये यहाँ इसी लाइन में नहीं अच्छा एक्चुअली ना मेरा ये ना इसका जूम का ये पार्टी स्पेंड वाला ना ये आ रखा था इधर ये अच्छा 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 ठीक है सर ठीक है सो ये यहाँ पे आ गया वरुण नाम के डायरेक्टर अगर मैं इसको लॉन्ग लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये वरुण की पूरी डिटेल दे देगा कि ये किस टाइम पे डायरेक्टली क्रिएट हुई ठीक है पूरी टाइम स्टैम्प दिखा रहा किस यूजर ने इसको क्रिएट किया है और इसके ऊपर क्या परमिशन है राइट ठीक है अब अगर मुझे हाँ जी परमिशन नहीं समझ आ रहा कैसे कैसे परमिशन हाँ बिल्कुल वो उसको छोड़ो अभी फिलहाल वो पढ़ेंगे परमिशन पढ़ेंगे ठीक है अगर आपको वरुण नाम की डायरेक्टरी के अंदर करना है तो उसके लिए हम करते हैं सीडी देन उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नेम मैंने यहाँ पे एंटर किया सो अभी देखो मैं किस लोकेशन पे आ गया मैं यहाँ पे PWD करता हूँ तो इसने बता दिया स्लैश के अंदर होम है और स्लैश उसके अंदर पर्ल है पर्ल के अंदर वरुण है अभी यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा एक कि यहाँ पे स्लैश है यहाँ पे स्लैश है यहाँ पे स्लैश है तो ये तीनों जो है ये सिस्टम डायरेक्टरी वाले स्लैश नहीं है इसका ध्यान रखना आप अगर आपके पास किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में स्लैश आ रहा है इट मींस वो क्या है सिस्टम डायरेक्टरी वाला स्लैश है ठीक है अगर किसी वर्ड के बाद कोई स्लैश आता है तो वो कौन सा स्लैश है विद इन वाला स्लैश है हाँ जी वरुण डिफरेंस क्लियर हुआ हाँ सर क्लियर है सर वो पहला वाला स्लैश सिस्टम पाथ होता है बाकी सारे स्लैश तो पाथ सेपरेटर होता है सर बिल्कुल विद इन करके मतलब वो उसका मीनिंग क्या विद इन कि जैसे होम के अंदर पर्ल है और पर्ल के अंदर वरुण है जी जी ठीक है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि सीडी स्लैश तो इट मींस मैं सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ राइट बिल्कुल सही और यहाँ पे सीडी स्लैश होम स्लैश में कुछ कर रहा हूँ तो इट मींस मैं किसके अंदर जा रहा हूँ होम के अंदर जा ठीक है सत्यम प्लीज म्यूट योरसेल्फ आर यू टॉकिंग टू विद समवन एल्स ठीक है सर सो मैं यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से मैं एक स्टेप प्रीवियस जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सीडी डॉट डॉट यूज कर रहा हूँ पीछे तो चला जाएंगे ठीक बिल्कुल तो मैं अपनी किस डायरेक्टरी में आ गया होम डायरेक्टरी में प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर आ गया क्लियर हाँ जी क्लियर है सर ठीक है अभी जो मैंने ये डायरेक्टरी क्रिएट करी है इसको मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं rmdir और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ठीक और यहाँ पे मैं ls करके देखूंगा तो अभी मेरे पास वो डायरेक्टरी नहीं है बिल्कुल सही है सर ठीक है तो ऐसे ही अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ जैसे मैंने किया टच ERR करके मैं फाइल क्रिएट कर ठीक है यहाँ पे ls करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास ERR करके एक फाइल आ गई ठीक है सो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इस जो मैंने लिस्ट किया है इस लिस्ट में मेरी पूरी इस लिस्ट में कौन सी फाइल है कौन सी डायरेक्टरी है बता सकते हो आप सर जब आप लिस्ट करते हो ls-l तो जो वो पहला कैरेक्टर होता है उसमें अगर डी है तो डायरेक्टरी है हैश है तो फाइल है रेगुलर फाइल बिल्कुल राइट सो यहाँ पे अगर मेरा फर्स्ट कैरेक्टर डी है तो इट मींस ये डायरेक्टरी है और अगर मेरा फर्स्ट कैरेक्टर हाइफन है तो इट मींस ये फाइल है ठीक है सर कई 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 बंदे क्या करते हैं मतलब इसको कलर से भी मतलब डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन कलर से डिफरेंशिएट करना मतलब सही नहीं है क्योंकि अगर मान लो मैंने कल को अपनी बैकग्राउंड का कलर ब्लू कर दिया राइट तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली राइट हां बिल्कुल बिल्कुल सो हम अगर मैं मैनुअल एक स्टैंडर्ड की बात करूं तो
हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे इसके फर्स्ट कैरेक्टर से ही। ठीक है सर। और जैसे मैंने अभी एक ERR नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है, एलएस करता हूँ, ये मेरे पास ERR की फाइल है, ठीक है। इस फाइल को अगर आपको देखना है, चेक करना है कि मैंने इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस फाइल के अंदर क्या मेरा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैट कमांड का, कैट और फाइल का नेम। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो इस ERR के अंदर मेरा ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट है, इसको एरर मत समझना, ये टेक्स्ट है जस्ट, ठीक है, क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट अभी तक जो हमने किया? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, सत्यम, उत्कर्ष, आकाश, नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, एक चीज पूछना है कि ये कैसे जाने, जैसे ERR जो फाइल बनाए हैं, कि ये कौन सी फाइल है सर, ये टेक्स्ट फाइल है या फिर वर्ड की फाइल है, ये कैसे जानेंगे? के अंदर, लिनक्स के अंदर टेक्स्ट फाइल ही है सभी, ये ऐसे मानो ये टेक्स्ट फाइल ही है सारी। जब तक हम एक्सटेंशन नहीं लगा रहे हैं तब तक वो टेक्स्ट फाइल ही है, टेक्स्ट फाइल ही है, सब टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि लिनक्स में एवरीथिंग इज फाइल। बिल्कुल एवरीथिंग, अगर मैं कोई डायरेक्टिव फोल्डर भी बना रहा हूँ ना, तो अगर मैं लिनक्स के उसमें बात करूँ तो वो भी एक फाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं है, फोल्डर नहीं, उसे लिनक्स बोलता है। अगर मैं कोई पेन ड्राइव भी अटैच करूँ तो लिनक्स उसे भी फाइल ही बोलता है। क्लियर? जी सर। ठीक है, सो अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं RM स्पेस उस फाइल का नेम। यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो उसके बाद लिस्ट करके देखता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास से वो पर्टिकुलर फाइल डिलीट हो गई। बिल्कुल सही। ठीक है गाइस, जो मैंने अभी आपको कमांड्स बताई थी, उस किसी कमांड में डाउट कुछ पूछना नहीं, हो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सब चीज क्लियर है यहाँ तक जो हमने किया है? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, सो गाइस आज के लिए हम इतना रखते हैं सेशन, ठीक है। आज थर्सडे है ना, अच्छा कल ही अपना सेशन आएगा, ठीक है, तो सेम टाइम पे मैं आपको 5:20 या 5:25 तक लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है गाइस, PDF मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया, आप उसे देख सकते हैं, जो अभी हमने आज किया है उसे आप पढ़ना चाहते हो तो PDF से आप रीड कर। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर। नवीन, रिकॉर्डिंग शेयर कर देना ब्रो। अच्छा, ये होता है, ये अगर वीडियो हम स्काइप पे अभी जो स्क्रीन हम शेयर करेंगे जो रिकॉर्डेड है, तो आई थिंक उसमें पूरा आता है ना, वीडियो पूरा आ जाता है, मतलब कट के नहीं आएगा, अगर हम व्हाट्सएप में करेंगे तो नहीं वो पूरा आएगा, वो रिकॉर्डिंग MP4 में कन्वर्ट होती है, उसके बाद फिर है ना वो नवीन शेयर कर देगा आपको व्हाट्सएप पर, तो आप पूरा देख पाओगे, जो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है वो पूरी आएगी, कितना भी जो भी कन्वर्सेशन हुआ है फुल स्क्रीन आपको शो होगी। थैंक यू सर। ओके गाइस, बाय। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। ओके गाइस, मिलते हैं कल 5:30 फिर से। बिल्कुल सर। ओके गाइस।